दोस्तों अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग के लिए खिलाड़ी अक्षय कुमार और अनन्या पांडे उत्तराखंड पहुंचे हैं। दोनों को देहरादून के जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। दोनों ही अब लगभग 10 से 12 दिन तक उत्तराखंड के कई स्टेशनों पर फिल्म की शूटिंग करते नजर आएंगे। दोस्तों उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर और बॉलीवुड फिल्म के अभिनेता अक्षय कुमार इन दिनों उत्तराखंड की वादियों में अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार उत्तराखंड के मसूरी और नैनीताल सहित अन्य हिल स्टेशनों पर लगभग 10 से 12 दिन की शूटिंग करेंगे। खास बात यह है कि इस फिल्म में उनकी हीरोइन अनन्या पांडे हाल ही में देहरादून पहुंच गई है। दोस्तों विशेष चार्टर प्लेन से पहुंचे अक्षय कुमार जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर काफी रिलैक्स मूड में नजर आए। खास बात यह है कि जिस वक्त अक्षय कुमार देहरादून एयरपोर्ट पर पहुंचे उस वक्त कोई अन्य फ्लाइट आने या जाने वाली नहीं थी। ऐसे में पूरा एयरपोर्ट लगभग खाली ही था। एयरपोर्ट से निकलकर अक्षय कुमार आराम से अपनी गाड़ी तक पहुंचे। इस दौरान अक्षय कुमार ने अपने प्रशंसकों से मिलकर सेल्फी भी खिंचवाई। सिर पर काली कैप, नीले कलर की टी शर्ट और काली जींस में अक्षय कुमार का स्वैग देखते ही बन रहा था। अक्षय कुमार के साथ इस फिल्म में उनकी सह अभिनेत्री अनन्या पांडे भी है, वो भी शूटिंग के लिए देहरादून पहुंची है। दोस्तों अक्षय कुमार फिर से एक बार धर्मा प्रोडक्शन के साथ जुड़ने जा रहे हैं। ये फिल्म एक बायोपिक होने वाली है जो कि सी शंकरन नायर की बायोपिक पर आधारित है। इस फिल्म में दोस्तों अक्षय कुमार और अनन्या पांडे के अलावा आर माधवन भी है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म का ज्यादातर हिस्सा उत्तराखंड में ही फिल्माया जाएगा। हालांकि अक्षय कुमार इससे पहले भी उत्तराखंड में अपनी पिछली फिल्म कठपुतली की शूटिंग कर चुके हैं, लेकिन उस वक्त इस बात को लेकर अक्षय कुमार का विरोध हुआ था कि उन्होंने फिल्म के ज्यादातर हिस्सों की शूटिंग देहरादून और मसूरी में की थी, लेकिन फिल्म में उन हिस्सों को हिमाचल का दर्शाया गया था। कठपुतली फिल्म एक सीरियल किलर पर आधारित थी। इस फिल्म में अक्षय कुमार ने एक पुलिस वाले का किरदार निभाया था। वही दोस्तों बात करें अक्षय कुमार की फिल्मों की तो इस साल उनकी OMG 2 और सुरराई पोटरू रिलीज होने वाली है। OMG 2 रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन अभी तक इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट सामने नहीं आई है। इसके अलावा खिलाड़ी कुमार प्रोडक्शन नंबर 27 में नजर आने वाले है, जो कि इसी साल 1 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होनी है। इसकी जानकारी खुद अक्षय कुमार ने दी थी। वैसे दोस्तों आपका इस फिल्म के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। बाकी और ऐसे ही अक्षय कुमार की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।